कोलकाता मर्डर केस में ये सबसे बड़ा खुलासा है और सनसनीखेज खुलासा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि TV9 को डॉक्टर हत्या को लेकर एक वायरल चैट मिला है। चैट में हत्या की रात दो डॉक्टरों की बातचीत है, जिस रात हत्या हुई उस रात की बातचीत है, हत्या के पहले और हत्या के बाद की बातचीत है। चैट से हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। जो चैट वायरल हो रही है वो TV9 के पास है, आपको दिखाएंगे वो चैट। TV9 इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये चैट सनसनीखेज है और हत्या वाली रात की ही चैट है। ये देखिए, ये आपके सामने आ गई ये चैट, जिसमें वायरल चैट में दावा किया जा रहा है मर्डर को लेकर डॉक्टर्स बातचीत कर रहे हैं। इस चैट में लिखा है क्या इस चैट का मर्डर से संबंध है और बहुत सारी चीजें लिखी हैं इस चैट में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन TV9 इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार कि ये इस चैट में लिखा क्या है। पहले लिखा है जिसमें ये कहा गया है सुधो मेडिको राय इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। उसके बाद उसी चैट पर रिप्लाई है यस बट वाई, हाँ पर क्यों, और उसके बाद जो एक चैट है उसमें लिखा है एंड वाई किल्ड, मर्डर क्यों, ये लिखा है इस चैट में। उसके बाद की चैट आप देखिए बिकॉज वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स, देखिए बहुत बड़ी बात है, इस चैट में लिखी है हम मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम राक्षसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये चैट में लिखा है। उसके बाद चैट में लिखा है वी आर फेलिंग एज टीचर्स, ये भी चैट में लिखा है। तो ये चैट बहुत सनसनीखेज है, हम शिक्षकों के तौर पर फेल कर रहे हैं, ये बात इस चैट में लिखी है। तो ये मर्डर वाली रात में ये चैट सामने आई है, जिसमें ये मर्डर को लेकर डिस्कशन चल रहा है और पूछा क्या है कि मर्डर क्यों। और आगे आपको इसी मर्डर केस से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप भी सुनवाएंगे, जो साजिश के संकेत और ज्यादा गहरे मिल रहे हैं इस ऑडियो क्लिप से। लेकिन पहले जो वायरल चैट है इस पर अपडेट के साथ कोलकाता से संवाददाता रवि दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है, जिस रात हत्या होती है उस हत्या वाली रात में कुछ डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं इस चैट को, और उसमें ये लिखा भी जा रहा है, पूछा भी जा रहा है किसका इन्वॉल्वमेंट है और मर्डर क्यों। हाँ देखिए, चैट की बात अगर सबसे बड़ी की जाए तो चैट काफ़ी सारा चैट्स ऐसा है, लेकिन दो चैट्स हम सामने दिखा रहे हैं क्योंकि बाकी का चैट्स दिखाना सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम है। तो पहला चैट जिसका मैं बात करूंगा, जो कि पहला आया है, दो डॉक्टर्स जब बात कर रहे हैं वहाँ पे कह रहे हैं कल सुबह तुम जब उठोगे तब ऐसा खबर तुमको मिलेगा जिस पे तुम्हारा रूह कांप जाएगा, जब सोने जाओगे उसके बारे में चिंता करोगे तो तुम डर जाओगे। तो ये जिसका टाइमिंग जो दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, 11:45 का टाइमिंग है और कहा जा रहा है कल सुबह जब तुम उठोगे ऐसा खबर मिलेगा। तो डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं वो कौन सी खबर की बात कर रहे थे जो कि कल सुबह मिलने वाले थे उनको और जिसमें उनका रूह कांप जाएगा। तो क्या ये मर्डर वाली जो घटना घटी है आरजी कर में उसका पहले का चैट है, ये सवाल उठ रहा है। हालांकि TV9 भारतवर्ष ये चैट का जो सत्यता है उसको नहीं यहाँ पे दिखाता है। और दूसरी बात है कि चैट का बाद वाला जो सीन डॉक्टर कह रहे हैं कि मतलब बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इस चैट में ये लिखा जा रहा है वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स, जिसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि हम राक्षसों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये किस बात को लेकर आगे बताया जा रहा है इस चैट में, क्या बातचीत हो रही है। देखिए, चैट का जो ऊपर और नीचे का या तो फिर डॉक्टर्स का जो नेम है हमने उनको ब्लर करके रखा है, लेकिन ये वही हॉस्पिटल का डॉक्टर्स का चैट है जहाँ पे डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। और जब ये घटना घटी तो उनका ये चैट से सामने आता है, डॉक्टर्स खुद सवाल पूछ रहा है, हो सकता है कहीं पे कुछ गलत है, कहीं पे कुछ ठीक है, हो सकता है आप किसी को वार्निंग दे सकते हैं, थ्रेट देख सकते हैं, लेकिन मर्डर क्यों, किसी को किसका कत्लेआम क्यों हुआ और वहाँ पे क्यों उसको मार दिया गया, ये सवाल पूछ रहा है। और डॉक्टर्स, ये सीनियर डॉक्टर्स बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि हम टीचर के तौर पे फेल कर रहे हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो और ही कुछ बन जा रहा है। तो मेडिकोज आर इन्वॉल्व, ये मेडिको का टर्म हो सकता है, डॉक्टर टर्म है, क्या मतलब इसका आता है अलग, इसका ये अलग एक पहलू है। लेकिन सच तो ये है डॉक्टर्स खुद हैरान है, परेशान है कि ऐसा कौन सी सनसनीखेज सामने आया जिसके बारे में जानने के चलते
एक डॉक्टर को मार दिया गया और डॉक्टर्स आपस में ये बातचीत जब कर रहे हैं और ये चैट जब सामने आया है, ये जायज है कि ऐसा कुछ हुआ है, डॉक्टर्स को पता चला। हालांकि ये हो सकता है ये फैब्रिकेटेड है, लेकिन ये भी हो सकता है ये फैब्रिकेटेड नहीं है। तो दोनों पहलू अगर हम देखें तो यहाँ पे सवाल उठता है। बड़ी बात ये है कि अभी ये परिस्थिति जन्य जो सबूत सामने आए हैं वो चैट के रूप में सामने आए हैं, लेकिन TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन चैट से बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस मर्डर का सीधा सीधा संबंध इस चैट से है। और बिग वॉल के जरिए, रवि मैं आऊंगी आपके पास, बिग वॉल के जरिए हम वो चैट दिखाते हैं एक बार और विस्तार से, आपको ये चैट दिखाते हैं जो मर्डर वाली रात सामने आई। क्या इस चैट का मर्डर से संबंध है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन देखिए चैट देखिए जिसमें बंगाली में लिखा है और बंगाली में ये लिखा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आप ये खबर सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, ये बंगाली में लिखा हुआ है। और रात में ये टेरिबल ये जो न्यूज़ आप सुनेंगे कल आपका माथा खराब हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ये टेरिबल इतनी खौफनाक खबर है इस बंगाली में, ये बंगाली में लिखी गई है चैट, लेकिन इसका हम हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। इसमें ये बात कही जा रही है कि इससे पता लग पाएगा कि कितनी बड़ी ये खबर है, ये वाली खबर है। और इसमें ये देखिए ये बंगाली में लिखा है, भाई काल जा काबोर पाबी लो जाए मुख लाखनोकोर जाए पाबीना, मतलब इसका आपको पता लगेगा तो आपको समझ में आएगा ये बहुत बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है। और आपको TV9 के पास डॉक्टरों की बातचीत का ये जो वायरल चैट है वो मौजूद है, और ये चैट डॉक्टर की हत्या से पहले का है, जो पहले का चैट बताया जा रहा है। चैट में किसी डरावनी खबर का जिक्र किया जा रहा है और ये चैट बंगला में है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या अब सवाल ये, अब ये जो चैट आई है, अब ये हिस्सा देखिए चैट का जिसमें ऐसा लग रहा है कि पता लग गया है कि मर्डर हुआ है, लेकिन पूछा जा रहा है कि वाई किल्ड, मर्डर क्यों हुआ, यस बट वाई किल्ड, कुछ जानकारी दी गई, सूचना दी गई इससे पहले। और इस हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इसमें एंड वाई किल्ड, इस दो लव्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि सवाल पूछा गया है। यानी किल्ड मतलब मर्डर हो चुका है, उसके बाद वाई किल्ड पूछा जा रहा है किसी डॉक्टर की ओर से। ग्रुप पे चैट हो रही है, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स, हम राक्षसों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये किसी डॉक्टर ने रिप्लाई किया। और जब रिप्लाई किया तो ये सनसनीखेज सवाल खड़े करता है, ये क्या जानकारी है, ये ऐसा क्या पता लग गया था उस डॉक्टर को जो इस तरह से सामने आई ये घटना, और फिर उसके बाद ये चैट सामने आई जो कि बहुत ज्यादा चौंकाती है। रवि ये चैट बहुत ज्यादा चौंकाती है, बहुत सनसनीखेज ये मामला है, एक ऑडियो क्लिप भी हम सुनवाएंगे आगे, लेकिन चैट को लेकर, इस हिस्से को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स का क्या मतलब हुआ, ऐसा क्या पता था उस डॉक्टर को और किन किन लोगों से वो संपर्क में थी, कुछ पता लग पाया, क्या संकेत मिल रहे हैं इस चैट से? देखिए जो डॉक्टर का हत्या हुआ है वो चेस्ट मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ था, TDP था, इसका मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे। तो हो सकता है वहाँ पे उनको ऐसा कुछ चीज़ का बनक लग गया था, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है, जूनियर डॉक्टर्स हो या तो सीनियर डॉक्टर्स हो या तो फिर कोई पर्टिकुलर कोई डॉक्टर्स हो जो कुछ कर रहे थे, ये घोटाला का उनको पता चल गया था और उनको चुप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा मान के चल रहे, ये चैट्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये चैट्स में ऐसा मतलब हम लोग इसका एक आभास लगा सकते हैं, उसी के तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या उनको लग गया था, क्यों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स, मतलब ऐसा कुछ घटना वहाँ पे हो रहा था जिसका भनक ये लेडी डॉक्टर को लग गया था और उसको रास्ते से हटाना मजबूरी था, लेकिन ऐसा क्यों कि उनको मार दिया गया, क्या और कोई रास्ता नहीं था, ऐसा क्या पता चल गया था, क्या हुआ था, इसका खुलासा पुलिस करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर ये चैट आया है ये हम कह सकते हैं या तो फिर अंदाज़ा इसका लगा सकता है, शायद पुलिस को भी कुछ हाथ में आया है, हालांकि पुलिस सुराग के तौर पे इसको सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन किस डॉक्टर की बात हो रही है, कौन इसके साथ इन्वॉल्व था, क्या क्या इसका पूरा घटना घटी थी, जो ऑडियो क्लिप की बात कर रहे हैं वो ऑडियो क्लिप हमारा दर्शक सुनेंगे। ठीक रवि, यही ऑडियो क्लिप अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप दर्शकों को ये ऑडियो क्लिप हम सुनवाने जा रहे हैं। रवि मैं आऊंगी आपके पास, एक तरफ तो चैट है जो सनसनीखेज बात को खुलासा करती है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्यों ऐसी बात कही जा रही है कि हम राक्षसों को प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है और ये ऑडियो क्लिप सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों के बीच की बातचीत है जिसके बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको ये ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं पहले।
রাজ্যগড়ে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেয়ে কি ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে অ্যান্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরে তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগড় হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো যাবে। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপ গোট ছিল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম দুই বা তিনজন। কারা হতে পারে, কি সাসপেক্ট করছিস তোর আইজি করার ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে। এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না না দাদা সেটাই। এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে, গোটা মুভমেন্ট আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। तो ये ऑडियो क्लिप आपने सनसनीखेज सुनी और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, इसमें जो मोटी मोटी बात निकल कर सामने आई वो ये कि आरजीकर अस्पताल में फैक्ट्स को दबाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कम से कम तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तीसरी बात, इसमें कहा जा रहा है बड़े राजनीतिक लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं नाम नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये ऑडियो क्लिप बहुत कुछ बता देता है। बहुत ऑडियो क्लिप में जो जूनियर डॉक्टर बात कर रहा है उसका आवाज़ सुन के साफ ही समझ में आ रहा है वो डरा हुआ है। जो सीनियर डॉक्टर ने फ़ोन किया था उन्हें कंफर्म कर दिया जिससे वो बात कर रहे हैं, वो आरजी कौर का जूनियर डॉक्टर है, क्योंकि बंगाली में कह रहा था तोरा आरजी कौर छेलेरा की मुने कोर्चिस, अर्थात तुम आरजी कौर हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हो क्या क्या मतलब यहाँ से निकाल रहे हो। तो जूनियर डॉक्टर जो है वो कह रहा है मोटा मोटा ये जो पूरा यहाँ पे आंदोलन चल रहा है आरजी कौर में वो प्रिंसिपल उनका डायरेक्शन पे चल रहा है, लेकिन वो खुलासा सामने नहीं आ रहा है असली चीज़ क्या है। दूसरा चीज़ उसने जो बताया कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिलिमिनरी सामने आया है उसमें जो इंजुरीज है कोई भी डॉक्टर उसको देख के कह देगा ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, मिनिमम दो या तीन से लोग थे, तो बाकी के दो और तीन लोग बाकी के दूसरा और तीसरा व्यक्ति कौन थे इसको लेकर सवाल उठ रहा है। तीसरा है ये जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है संजय बोल के उसको स्केप गोट बनाया गया है, ये जूनियर डॉक्टर ही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे इतना बुद्धू नहीं है कि समझने के लिए कि इतना बड़ा हादसा वो अकेला नहीं कर सकता, तो किसको यहाँ पे बचाया जा रहा है। इसका मतलब उसका फिर कहना है कि ऐसा कुछ लोग है जिसका फैमिली बहुत हाई प्रोफाइल है उसको बचाने के लिए यह किया जा रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, ये जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर बात कर रहा है इसका ही बैचमेट है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि मेरा बैचमेट ऐसा कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि मुझे ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जो सीनियर डॉक्टर कहता है ठीक है नाम नहीं लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो साफ साफ ये कहता है कि ये जो मूवमेंट चल रही है ये आईवॉश है, पीछे बहुत बड़ा एक घोटाला है जिसको यहाँ पे छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। जब पूछा जा रहा है कि किसने किया ये काम, वो सीधा सीधा कहता है कि इंटर्न किया है। अब पुलिस को जब डेफिनेटली ये ऑडियो क्लिप मिलेगी कहीं से भी मिले, अब पुलिस को वो नैरो हो जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन का थ्रो नैरो हो जाता है कि भाई इंटर्न को अब देखना है किसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, कौन हाई प्रोफाइल है, किसको रोका जा रहा है। इसके साथ मैं कह रहा हूँ और भी कुछ चैट्स है जो कि हम बाद में दिखाएंगे अपना दर्शकों को, वहाँ से साफ पता चल जाएगा किस तरीके से एक थ्रेट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ कहीं लोगों को रोकने की उसका सामने पर्दा डालने की एक कोशिश किया जा रहा है। जी रवि, बहुत बड़ी आहट है कि कोई धांधली कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे, और ये चैट के जरिए या ऑडियो क्लिप के जरिए एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है। ये चैट हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं जिसमें चैट मर्डर को लेकर किया गया है, और इसमें साधु मेडिको राय शामिल है। देखिए पहली चैट आप देख रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा नंबर पर है रिप्लाई वो देख रहे हैं, हाँ लेकिन क्यों। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं और क्यों मारा,
ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा फिर आप चौथे नंबर पर देखिए, क्योंकि हम राक्षसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और पांचवें नंबर पर जो बात सामने आ रही है, वी आर फेलिंग एज टीचर्स, मतलब हम टीचर के तौर पर फेल हो रहे हैं। तो किस मामले पर फेल हो रहे हैं, साजिश क्या है, क्या चल रहा था, धांधली क्या चल रही थी, इस डॉक्टर को, इस लेडी डॉक्टर को क्या पता था और क्यों आखिर मारा गया, ये सनसनीखेज हत्याकांड जिसे जिसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी हुई। और एक बड़ी बात और बता दें, देश भर में डॉक्टर्स का जो आक्रोश है वो इस वक्त चरम पर है। हड़ताल पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हो चुके हैं। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश में डॉक्टर्स, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर्स के साथ। क्या मांगे उनकी, सीधे रुक करेंगे इनका। करुणा शंकर शर्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरएमएल अस्पताल में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजीव, आप दोनों तरफ दिखाइए किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जस्टिस की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बाकायदा लगातार जो डॉक्टर्स यहाँ पर, जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हड़ताल पर, वो सभी न्याय और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और एक और बात आपसे निधि बताना चाहूँगा, फोडा के अंडर ये पैन इंडिया हड़ताल है जो की जा रही, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और मेरे साथ डॉक्टर सर्वे भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर सर्वेश जो कि फोड़ा के जनरल सेक्रेटरी हैं, सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप मुलाकात करके आ रहे हेल्थ सेक्रेटरी से, क्या बात हुई है, क्या आश्वासन आपको मिला? हम दिल्ली के साले आरडीए के साथ गए थे, उसमें हमने यही डिमांड की है कि वहाँ जो सीबीआई इंक्वायरी है वो होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, और जहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनको तुरंत हटाना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी काफी समय से पेंडिंग मांग है, उसको भी इमीडिएट इफेक्ट लागू करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मामले में सर एक गिरफ्तारी हो गई है, और अभी हम दिखा रहे थे, एक रिपोर्ट दिखा रहे, एक चैट बहुत वायरल हो रहा है, किसी साजिश की बू इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, कुछ ऐसा हुआ है, घोटाले जैसी बात निकल कर आ रही है, कुछ इस पर आप रिएक्ट करना चाहें, कॉमेंट करना चाहें? इन्हीं सब के लिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। अगर जैसे सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी सभी चीज क्लियर हो जाएगा। इन्हीं जो ये मीडिया में चल रहा है फेक है या रियल है, इसके लिए ही हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। एक एक्यूज्ड को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है जी, इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक जो जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो जस्टिस है वो, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे नारेबाजी हो रही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं जस्टिस स्विफ्ट हो, इसीलिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और उस पर हम अड़े हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक है, मेरे साथ एक और डॉक्टर, डॉक्टर गौतम कुमार मेरे साथ हैं। सर एक बात बताइए, अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें एक वायरल चैट का जिक्र हो रहा है, और उसमें यह साफ तौर पर जो डॉक्टर है उसकी तरफ से लिखा गया है वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर, आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके बाद ये शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया? हाँ, जैसा कि वहाँ भी रेसिडेंट से बात हुई है, हमारी भी बात हुई है कि लगातार संपर्क में वहाँ पे बने हुए हैं, तो जैसा कि 4 से 5 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पर अभी तक सिर्फ एक अरेस्ट हुआ है, तो बाकी 4 क्यों है, सरकार क्यों उन्हें बचाना चाह रही है, आज चौथा दिन हो गया है और इतने बड़े मुद्दे, इतने कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है? स्वाभाविक रूप से है, अभी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी जो डिस्कशन में आया है, तो सब लोगों का एक है कि वहाँ की स्टेट सरकार इस चीज़ को देख रही है, सारी चीज़ें उसके स्टेट के अंदर में है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कर रही है। हालांकि अभी जो खबर आया है कि प्रिंसिपल वहाँ से रिजाइन किए हैं, यह खबर आ गया है, कंफर्म न्यूज है, तो लेकिन बाकी कल्प्रिट कहाँ है, और इसके लिए सीबीआई का जो मांग है हमारी कि सीबीआई की जांच हो और इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और पीड़िता को कम से कम एक जो है अच्छा से अच्छा। सर एक बात बताइए कि इस पूरे मामले पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन पर जो स्टेट लेवल पश्चिम बंगाल में हो रही है उस पर आपको विश्वास नहीं है क्या? हमको विश्वास है, वहाँ के सीएम खुद सीबीआई की मांग कर रही हैं, वहाँ की जो सीएम है ममता दीदी ने खुद बोला हुआ है कि उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन, वो चाहती हैं सेंटर की टीम जाँच करे उसका। और रेजिडेंट्स डॉक्टर इतना ज़्यादा हम ओवरवर्क रहते हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट सेफ एट अवर प्लेस, तो सर उसके लिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ठोस कुछ कदम उठाए। थैंक यू। ठीक है, मेरे साथ देखिए मेरे और भी सहयोगी और संवाददाता जुड़े, उनका ही मैं रुख करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर इस तरह से बैनर और पोस्टर लेकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बैठे हैं, डॉक्टर्स आर लाइफ सेवर्स नॉट पंचिंग बैग, जो इंसिडेंट हुआ है। और साथ ही साथ एक और मांग है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन जो हेल्थ केयर एक्ट है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर राजीव दिखाइए, प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट अस, ये मांग की जा रही है। उस तरफ आप जाइए, थोड़ा पैन करिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड,
आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है? सर हमारी तीन डिमांड्स हैं। सबसे पहले इस केस में सीबीआई का प्रूफ सबसे एएसएपी होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास जहाँ भी वर्क प्लेसेज हैं वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए एंड बॉडी गार्ड्स होने चाहिए टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन फ्यूचर। एंड देयर शुड बी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सो दैट अगर कोई पर्सन ऐसा हीनियस क्राइम करता है देन उसके साथ चार्जेस होने चाहिए एंड ही शुड बी ट्रीटेड एज अ गिल्टी। जो फीमेल डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुआ कितना शॉकिंग है आपके लिए मैम? दिस इज़ स्केयरिंग अस। जैसे कि हम यूजी स्टूडेंट्स हैं जहाँ हमारी मेडिकल करियर की शुरुआत हुई है और हम आए दिन ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं तो दिस इज टू मच स्केयरिंग फॉर अस। और ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, मैं आपके पास भी आता हूँ। आप लोग काफ़ी वक्त से अब यहाँ पर आज से हड़ताल पर शुरू आपने कर दी है, क्या आपको लग रहा है कि अभी तक की जो जांच हुई या फिर अब तक जो गिरफ्तारी हुई है आपको लग रहा है कि सही ट्रैक पर हो रहा है? हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, उससे नहीं। सीबीआई इंक्वायरी के अलावा आपकी कोई और डिमांड नहीं? हम हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी जाते हैं, ठीक है, इस तरह हर बार चलता रहेगा, हर बार हम यहाँ बैठेंगे, हर बार थोड़े दिन के लिए बैठ के उठ जाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है ना यार। तो ये बार बार ऐसा हो रहा है, ये डॉक्टर्स की तरफ से सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता है। मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी, सीधा मैं उनका रुख करता हूँ। मेरे साथ रविशंकर दत्ता जुड़े हुए हैं और साथ में शालिनी। शालिनी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, किस हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं और वहाँ पर क्या हालात है जरा बताइए और डॉक्टर्स का क्या कहना है? मैं यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में और यहाँ की तस्वीर देखिए, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इनका गुस्सा, इनका रोष सड़कों पर है। आज अस्पताल में इस तरह से डॉक्टर आज हड़ताल पर है और हाथों में तख्तियाँ लेकर लोग पहुँचे हैं और फिर मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर इनके हाथों में देखिए जो लिखा हुआ डार्क डी फॉर नेशन, इस तरह से और ये कर रहे हैं कि 24 घंटे डॉक्टर काम करता है, चाहे मेल हो या फीमेल, 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करता है, लेकिन उसके सुरक्षा का इंतजाम नहीं है कुछ भी। तो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हो पूरे हॉस्पिटल में, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स ने मार्च किया उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हो। देखो आप लोगों की शांति नहीं, शांति नहीं, शांति नहीं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स पहुँचे हैं वो सभी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, फीमेल डॉक्टर भी होल नाइट शिफ्ट में होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको सुरक्षित ही ना महसूस हो तो वो कैसे अपने पेशेंट का इलाज कैसे करेगी? तो ये बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, जो कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, जिस तरह से सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर की जो वारदात सामने आई, इसके बाद डॉक्टर्स में काफी गुस्सा है। कुमार कुंदर, मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन राजीव जरा पैर करके इस तरफ दिखाइए और फिर आप राइट साइड भी पैर करिए, वहां पर भी आप दिखाइए, यहां पर भी जहां मैं आरएमएल हॉस्पिटल मौजूद हूं, यहां पर सैकड़ों, आपके पीछे भी दिखाइए, यहां पर भी सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और साथ ही साथ कुमार कुंदर, मैं अब सीधा आपका रुख करना चाहूंगा, ये बताइए इन तस्वीरों के साथ ही कि इस वक्त आप एम्स में मौजूद है, वहां पर क्या हाल है और मरीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो मरीजों को कितनी दिक्कतें आ रही है बताइए आप। देखिए सबसे पहले कोरोना में बताना चाहूंगा कि एम्स में प्रतिदिन 18,000 मरीज आते हैं जिनका इलाज होता है और आज के हड़ताल का सबसे बुरा असर मरीजों पर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बड़े भाई आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, आप लोगों का नंबर लगा हुआ था? नंबर लग गया था। कितने बजे सुबह आए थे? 4 बजे सुबह में आए थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ? 4 बजे सुबह आए थे, फिर हम लोग अपना टोकन वोकन लेकर के नंबर लगाए थे, नंबर लगाने के बाद में जैसे ही मेरा बारी आता है डॉक्टर को दिखाने का तब तक डॉक्टर लोग उठ करके चले जाते हैं, बोल देते हैं कि अभी स्ट्राइक हो गया है। अच्छा, इस चलते हम लोग थोड़ा सा निराश हैं, फिर कल का वेट करते हैं कब तक स्ट्राइक खत्म होता है, आगे इंडिपेंडेंस डे भी है, 15 अगस्त भी है, उसके लेकर के हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, ऐसा ना हो कि 3-4 दिन तक स्ट्राइक रहे। आप क्या हुआ था मरीज के साथ? हम लोग सर जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, बोले हैं कि स्ट्राइक हो गया, तो उसके बाद में एक दो गेट चल रहा था, एक दो वार्ड वो चला एक दो घंटे, उसके बाद वो भी बंद हो गया, बोला है कि जाइए, बोला कि स्ट्राइक कब छूटेगा, तो बोला कि कोई गारंटी नहीं है। मरीज को क्या परेशानी थी? मरीज को वहाँ की परेशानी थी। अच्छा, और दूर से आए हैं आप लोग? बिहार से, रोहतास जिला। अच्छा, अभी रोहतास से हैं। नुखा। अच्छा हाँ। और अभी कैसे क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं नहीं चल रहा है, ना कोई बता रहा है कब स्ट्राइक टूटेगा। अच्छा हाँ, अब हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, स्टेशन पर रहेंगे। अब रहने का भी कोई इंतजाम नहीं है सर? नहीं है सर।
अब आप सोचिए करुणा, इनके पास रहने का इंतजाम नहीं है, कहाँ जाएंगे? 15 अगस्त का समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में छुट्टियां होने वाली हैं, लॉन्ग वीकेंड हो रहा है, ये सब कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। इनके बीच ये लोग इलाज करवाने के लिए आए थे, और देश भर में लगभग 3 लाख ऐसे डॉक्टर हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और फोर्डा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टरों की हड़ताल पे चले जाने की वजह से एक बड़ी परेशानी जो मरीजों को लेकर हो रही है वो देखने को मिल रही है, और खास करके सरकारी अस्पताल में। इस वक्त मैं एम्स में हूँ, मैंने आपकी एक दो मरीजों से बात करवाई, और ये हालात एक मरीज की नहीं है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मरीज जो हैं इस आस में कि डॉक्टर आएंगे, आए नहीं, और अब धीरे धीरे सब लोग वापस निकल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे जेल स्टेडियम पे जो यहाँ पे हैं वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और उनकी संख्या लगभग 250 से 300 के आसपास है, और वो सारे के सारे डॉक्टर अब निकल रहे हैं। उसकी वजह से जितने भी मरीज हैं कुमार कुंदनी हम देख पा रहे हैं, और खुद क्योंकि मैं यहाँ आरएमएल अस्पताल हूँ, मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त किस तरह से हड़ताल पर बैठे हैं, और इसका जो असर है वो स्वास्थ्य सेवा पर पड़ रहा है। जो मरीज हैं वो परेशान है, वो बेहाल है, और आज से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो शुरू हो गई। चलिए एक बार फिर से रुख करते स्टूडियो का, निधि वहां से मेरे साथ जुड़ी है। निधि, ओवर टू यू। जी हाँ, जो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी हाँ, अगस्त का महीना कोहराम लेकर आया है। आपको बता दें बादलों ने कहर मचा रखा है, आधे हिंदुस्तान से ज्यादा हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित है। आसमान से आफत बरस रही है, बाढ़ और बारिश की वजह से कई जगह पर हाहाकार मचा हुआ है, गाड़ियां डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश से काफी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में जो जैसे हर बार ऐसा होता है कि पहाड़ों पर ये जो कुदरत का कहर है वो विनाश लेकर आता है, और सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली हैं। बादलों ने ऐसा कहर मचाया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट में देखिए, तबाही की साक्षात तस्वीर, मौत लाने वाला सैलाब, प्रलय मचाने वाली बाढ़, हाहाकार मचाने वाली बारिश, हिमाचल में बादलों का महाविस्फोट, सब तबाह हो गया, सब इस सैलाब में समा गया। आसमान से तबाही का प्रहार हुआ और मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही दिल दहल जाए। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, घरों के सामने तबाही की साक्षात निशानियां हैं। सब चीजें उलट पुलट हो गईं, हर चीज चकनाचूर हो चुकी है, यहां कुछ भी नहीं बचा है। जरा इन गाड़ियों की हालत देख लीजिए, भारी बारिश ने इन गाड़ियों की क्या हालत कर दी। अच्छी खासी कारें सैलाब के प्रहार से उलट पुलट हो चुकी हैं, बारिश के थपेड़ों से डिब्बा बन गई हैं, यहां तक कि घर मकान तबाह हो चुके हैं। ऐसी भयानक बारिश हुई कि घरों में लगे पौधे भी उखड़ गए, गमले तहस नहस हो गए, सब सामान नष्ट हो गया, सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं, रास्तों का वजूद मिट गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बारिश से भारी तबाही मची, तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊना के बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। यहाँ पर कल ये जो बरसाती नाला है जिसे होम खड कहा जाता है उसने काफ़ी कहर यहाँ पर बरपाया, और आप देखिए यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, कल यहाँ की तस्वीरें काफ़ी भयानक यहाँ की तस्वीरें थी। पानी जो था इस बरसाती नाले का वो ओवरफ्लो करके ऊपर तक आ गया था। यहाँ पे जो पुल बनाया गया है, पुल के ऊपर से पानी बहकर पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले चुका था, और जिसकी वजह से आप देखिए पेट्रोल पंप का नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो कट चुका है। नीचे से पेट्रोल पंप की ज़मीन पूरी तेज बहाव जो पानी का था उसकी वजह से कट चुकी है। ऊना के बथाड़ी गांव में बरसाती नाले ने इतनी तबाही मचाई कि पेट्रोल पंप भी बह गया, कई उद्योग भी तबाह हो गए। बथाड़ी इलाके में काफी प्रवासी मजदूर रहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। सैलाब आया तो इन लोगों के घर और कमरे भी सैलाब की चपेट में आ गए, इसके बाद कुछ बच्चे भी पानी के तेज बहाव में बह गए।
कितनी तेज पानी आया था, क्या हुआ था? बहुत तेज हुआ था सर, हम लोग तो फैक्ट्री में काम करे तो हम लोग को भागने का दावर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो ऊपर इंगल के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे हुए थे। हम लोग कितने आदमी फंसे हुए थे, मजदूर आदमी। अब तो जान बच गई किसी तरह से? हाँ, जान तो हम लोग बचा लिए सर, न तो हम लोग नहीं भागते तो पानी में दब जाते हम ही लोग। बथाड़ी गांव की गौशाला भी पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां बंधी गायों को किसी तरह से लोगों ने रस्सियां काटकर बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसाती नाले होम खड्ड में लगातार हो रही अवैध माइनिंग की वजह से तेज बारिश के बाद सैलाब आया और नाले का पानी अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाके में घुस गया। 70-80 फुट खड्डे डाले हैं, नजायज माइनिंग हो रही है, वो पानी इकट्ठा हो के बाद में इकट्ठा ही बह गया, जो भी है नुकसान हुआ जितना सारा मेरी जमीन हट गई। तो बरसाती नाले में जो माइनिंग चल रही है उसकी वजह से ये स्थिति वजह से हो गया जी सारा कुछ। ऊपर आप देखो ना जाके कितने खड्डे मारे हैं सारे, ऐसी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए बरसाती नाले में एकदम से उफान में पानी आया, जिसके बाद ये स्थिति बनी कि किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। गौशाला की जो गायें हैं उनको देखिए खोल कर यहाँ खुले में रखा गया है और अंदर से गायों की रस्सियाँ काट काट कर उनको बाहर निकाला गया पानी से बचाने के लिए। तो ये स्थिति ऊना में बनी है। ऊना के बथाड़ी गांव और इंडस्ट्री एरिया में तबाही की तस्वीरें डराने वाली, घरों और गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक तबाह हो चुकी। माथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया इसको कहा जाता है, वहां पर क्या हालत हुई है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इस गाड़ी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज बहाव के साथ ये पानी आया था और उसके बाद यहां पर जो ये पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी थी इनको निकालने का वक्त भी नहीं मिला। ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बनाने की फैक्ट्री है, इसके अंदर भी जो पानी था वो भर गया और आप देखिए पानी कितना ज़्यादा था वो आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जितनी भी आपको सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ पानी की वजह से हुआ है। जो अंदर यहाँ पर स्टाफ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी आया होगा। देखिए गाड़ियाँ आपको पलटी हुई दिखाई देंगी, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तेज़ बहाव जो पानी का था उसकी वजह से सब कुछ हुआ। ऊना के अलावा हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश की वजह से 288 सड़कें बंद हैं। हिमाचल के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। ऊना से मोहित मोहत्रा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।